हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेटिंग ऑफ महाबकवास रॉयल रंबल 2018 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महाकूड़ा और बकवास रॉयल रंबल के रेटिंग के बारे में, जो कि हमें 2018 में देखने को मिला। दोस्तों, मैं बकवास और कूड़ा क्यों बोल रहा हूँ, आप में से 90% लोग एग्री हो गए जो कि आज का रॉयल रंबल देख चुके होंगे, बट जिन्होंने नहीं देखी वो भी अभी थोड़ी देर में मेरी बात पे एग्री हो जाएंगे कि मैं बकवास और कूड़ा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस बार के रॉयल रंबल में WWE ने जिस प्रकार से हाई बनाई थी, उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि इस बार का रॉयल रंबल बहुत बड़ा होगा। सभी मैचेस एकदम झक्कास होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। सभी मैचेस एकदम बकवास और लगते निकले। स्पेशली बात करें तो ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर यूनिवर्सल टाइटल, 2-on-1 हैंडीकैप मैच फॉर WWE टाइटल और महाबकवास तो वो मैच रहा जिसका नाम है 30 मैन रॉयल रंबल मैच। दोस्तों, इस मैच में केवल रे मिस्टीरियो को छोड़ किसी भी सुपरस्टार की वापसी नहीं हुई। अंडरटेकर तो यार केवल सुर्खियों में घूमते हैं कि हाँ वो अब आएंगे। यार भाई, मच्छी छिलते हैं क्या यार, जो कभी वापसी नहीं करते। हमेशा WWE ऐसा र्यूमर बनाती है केवल पैसा बनाने के लिए, WWE की रेटिंग बढ़ाने के लिए, बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमें WWE में अंडरटेकर की वापसी देखने को मिले। दोस्तों, एक साल से अंडरटेकर केवल र्यूमर में ही दिखाई पड़ रहे हैं, WWE में तो उनका नामो निशान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। रॉ 25 में आए भी तो क्या हुआ, एक छोटा सा लेक्चर दिए बकवास सा, जिसमें WWE फैंस को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तो दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं रॉयल रंबल 2018 के रेटिंग के बारे में और उनके रिजल्ट के बारे में, वो भी मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों, सबसे पहला मैच हमें WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला, AJ स्टाइल वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस के बीच में। दोस्तों, एक महाबकवास और कूड़ा मैच देखने को मिला। दोस्तों, पूरे रॉयल रंबल का सबसे कूड़ा मैच यही रहा, इसमें दोस्तों जीत होती है AJ स्टाइल की और इसको मैं अगर रेटिंग दूंगा तो 0.2 स्टार दूंगा। इसके बाद हमें स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के लिए शेल्टन बेंजामिन चैड गेबल वर्सेस द उसोस के बीच में 2 out of 3 फॉल्स मैच देखने को मिला। दोस्तों, एक अच्छा मैच यहां से देखने को मिला। दोस्तों, एक गजब का मैच यहां से देखने को मिला। भले ही यहां जीत होती है द उसोस की और वो अपना टाइटल रिटेन करते हैं, और अगर रेटिंग की बात आती है तो मैं इस मैच को रेट दूंगा 4 स्टार। इसके बाद हमें 30 मैन रॉयल रंबल मैच देखने को मिला। भले ही दोस्तों मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन एकदम सही हो गई और शिंसुके नाकामुरा इसको जीत गए, बट फिर भी दोस्तों मुझे इस मैच में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। दोस्तों, किसी बड़े सुपरस्टार की वापसी देखने को ही नहीं मिली, केवल र्यूमर भी आ रहे थे कि ये सुपरस्टार वापसी करेगा, वो सुपरस्टार वापसी करेगा। कूड़ा कोई घंटा कोई सुपरस्टार वापसी नहीं किया, किसी बड़े सुपरस्टार की वापसी देखने को नहीं मिली सिवाय रे मिस्टीरियो को छोड़कर, और एक आध सुपरस्टार हमें NXT से भी देखने को मिले। दोस्तों, ये मैच बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बेकार भी नहीं था, बट जिस प्रकार से WWE ने हाइप बनाई थी उस हिसाब से तो ये मैच एकदम कूड़ा ही था। इस मैच की दोस्तों रेटिंग की बात करूँ तो इस मैच को केवल मैं दूंगा 3.5 स्टार। अगला मुकाबला हमें रॉ टैग टीम टाइटल के लिए सेथ जेसन वर्सेस द बार के बीच में एक धांसू मैच देखने को मिला। दोस्तों, भले ही इस मैच में सेथ और जेसन अपना रॉ टैग टीम टाइटल हार गए हों, बट सेथ ने अकेले दम पे दोनों की हालत खराब कर दी थी। दोस्तों, अगर ओवरऑल मैं इस मैच की रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस मैच को रेट दूंगा 4.2 का। दोस्तों, इस जबरदस्त मैच के बाद हमें फिर से एक और बकवास और कूड़ा मैच देखने को मिला फॉर यूनिवर्सल टाइटल बिटवीन ब्रॉन स्टोमन, ब्रॉक लेसनर और केन के बीच में। दोस्तों, इस मैच को लेकर WWE ने जैसी हाइप बनाई थी वैसा बिल्कुल भी ये मैच नहीं रहा, महाबकवास और कूड़ा मैच रहा। इससे अच्छा तो यार हमें ब्रॉन स्टोमन का सेगमेंट यार, जो आने वाले हर संडे देखने को मिलता है। दोस्तों, ओवरऑल इस मैच में जीते हमेशा की तरह ब्रॉक लेसनर और अपना टाइटल रिटेन किए, और ओवरऑल अगर मैच की रेटिंग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस मैच की रेटिंग रहेगी 1.2। इसके बाद दोस्तों हमें मेन इवेंट के रूप में 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच देखने को मिला। दोस्तों, एक धांसू मैच देखने को मिला, मैच देख के तबीयत खुश हो गया। आज की रॉयल रंबल का सबसे मस्त मैच कोई था तो वो यही मैच था। दोस्तों, इस मैच में NXT के सुपरस्टार के साथ साथ कुछ लेजेंडरी सुपरस्टार की भी वापसी देखने को मिली, जैसे ट्रिश स्टेटस, बेला ट्विंस, मिचेल मैकूल के साथ साथ और भी बड़ी बड़ी सुपरस्टार की वापसी देखने को मिली। दोस्तों, एक धांसू मुकाबला देखने को मिला। अगर इस मैच में टॉप परफॉर्मर की बात करूँ तो इस मैच में टॉप परफॉर्मर साशा बैंक्स, ट्रिश स्टेटस, मिचेल मैकूल और नाया जैक्स के तो क्या कहने, उन्होंने तो आते ही तबाही मचा दी। हर एक सुपरस्टार की फटके राख हो गई जब नाया जैक्स रिंग के अंदर आ गई। नाया जैक्स की तरफ से तो एकदम वाव परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। इन सबके साथ साथ हमें बेला ट्विंस की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, वो मैच के लास्ट तक टिकी। ओवरऑल अगर मैच का विजेता की बात करूँ तो यहाँ मैच जीती है आस्का, बस यही बात नहीं पच रही है। दोस्तों, यार बात एकदम सीधी, अगर आपको दिखाना है कि एक ही सुपरस्टार है पूरे रॉ में तो आप उसी को दिखाइए, उसी को चैंपियनशिप बेल्ट देखिए, अकेले लड़े और अकेले खेले, अकेले जीते, और बाकी सुपरस्टार तो जैसे है ही नहीं। दोस्तों, ओवरऑल मुझे इसके रिजल्ट से केवल प्रॉब्लम है जहां आस्का जीत गई, बट दोस्तों अगर ओवरऑल मैच की बात करूं तो मैच एकदम धांसू रहा यार। अगर इस मैच की रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मैच को 4.4 रेटिंग दूंगा। दोस्तों, इस मैच को खत्म हो जाने के बाद आस्का समेत रॉ वुमेन्स चैंपियन और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रिंग में तीनों ही मौजूद रहती हैं। उसके बाद दोस्तों अचानक से एंट्री होती है रोंडा रोजी की। दोस्तों, रोंडा की आ जाने के बाद वो सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर को देखती हैं और उसके बाद रेसलमेनिया की तरफ इशारा करती हैं। तो दोस्तों, ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में हमें शार्लेट फ्लेयर और रोंडा रोजी के बीच में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में मैच देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा आने वाले समय में होता है तो एक बात और नहीं बचेगी, रॉयल रंबल में इतनी सारी वुमेन्स मर मर के लड़ी, इतना अच्छा प्रदर्शन की, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। आते ही रोंडा रोजी को चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा व्यू और रेटिंग रॉयल रंबल 2018 को लेकर। तो दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस बार का रॉयल
नंबर 2018 आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या महाबकवास लगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइज।